गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चैप्टर करेंगे 9th क्लास बायोलॉजी, स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन दी फूड प्रोडक्शन। देखिए स्ट्रेटजी क्या होती है, स्ट्रेटजी एक अप्रोच होती है कि किस प्रकार से हम जो फूड प्रोडक्शन है उसमें हम बढ़ावा कर सकते हैं। फूड प्रोडक्शन या जो फूड है वो हम एनिमल से भी लेते हैं और प्लांट से भी लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो टॉपिक बनेंगे, एक तो फूड प्रोडक्शन फ्रॉम एनिमल से और एक फूड प्रोडक्शन फ्रॉम प्लांट से। दोनों से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आइए फूड प्रोडक्शन फ्रॉम एनिमल से देखेंगे। देखिए जो एनिमल से रिलेटेड जो स्ट्रेटजी रहेगी वो रहेगी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम किसी भी पशु का ख्याल रखेंगे। किस प्रकार से ख्याल रखेंगे, उसकी फीडिंग कि भाई उसके लिए फोडर कैसा हो, ठीक है, उसकी ब्रीडिंग कि क्या उस एनिमल्स की नस्ल में कोई सुधार हो सकता है, उसकी ब्रीड में कोई सुधार हो सकता है। तो इट इज प्रैक्टिस ऑफ केयरिंग, यहां पे लिख देते हैं, इट इज प्रैक्टिस ऑफ केयरिंग ब्रीडिंग फीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। इसके अंदर जैसे काऊ आ जाएगी, गोट आ जाएगा या और रिलेटेड एनिमल्स, ठीक है, जैसे हॉर्स वगैरह, डोंकी वगैरह, ये सब एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री किसी भी पशु की केयर करना, उसकी नस्ल में सुधार लाना, उसको अच्छा से अच्छा खाना देना, ये सभी होता है एनिमल हस्बेंड्री। फिर जो है देखेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री का ऑब्जेक्टिव क्या है या एनिमल ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, Why we do animal breeding? ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि एक ब्रीड क्या होती है। ब्रीड का मतलब होता है करैक्टरिस्टिक्स और अपीयरेंस या साइज ऑफ ए एनिमल। एक एनिमल की जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, मान लीजिए मेरे पास एक गाय है जिसकी मैं देखता हूं कि भाई इसका रंग वाइट है, इसकी पूंछ ऐसी है, इसका हेड ऐसा है, या ये कितना मिल्क देती है, वो सब क्या होगी, उसकी करैक्टरिस्टिक्स होगी। और एक एनिमल की करैक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, ब्रीड बोलते हैं। जैसे मेरे पास काऊ है और वो कौन सी ब्रीड की है, वो जर्सी ब्रीड की है, ठीक है। या मेरे पास एक काऊ है और उसकी ब्रीड क्या है, करन है। या मेरे पास एक काऊ है, उसकी ब्रीड है स्विस, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी मेरे पास गायें हैं और उनकी अलग अलग ब्रीड है। तो हम देखेंगे कि है तो वो ऑर्गेनिज्म गाय काऊ, लेकिन उसकी क्वालिटी अलग अलग है, उसकी उसकी पहचान अलग अलग है, उसका कलर अलग है, उसका साइज अलग है, उसकी अपीयरेंस अलग है, उसका मिल्क देना वो अलग है। तो ये सब क्या बनाती है, ब्रीड बनाती है। क्या बनाती है, ब्रीड, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम एनिमल ब्रीडिंग क्यों करते हैं। एक तो एनिमल ब्रीडिंग करते हैं भाई ग्रोथ रेट को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा हों और जिसके कारण हमारे पास जो एनिमल होंगे वो ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। सेकंड बात, इंक्रीज प्रोडक्शन, ये इसी में आ जाएगा कि उनका प्रोडक्शन इंक्रीज होना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों, जितने ज्यादा हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितने ज्यादा एनिमल्स होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन रहेगा। इंप्रूव डिजायरेबल क्वालिटी,
जो हमें डिजायरेबल का मतलब है, जो हमें नीड है, जिन क्वालिटी की हमें नीड है, उनको इंक्रीज कर सकते हैं बाय डूइंग एनिमल ब्रीडिंग। कि भाई मेरे को ज्यादा दूध देने वाली गाय चाहिए है, तो वो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मिल्क की क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय डूइंग ब्रीडिंग। फिर है इंप्रूव रेजिस्टेंस टू डिजीज। ठीक है, हमें पता है कि एक ब्रीड है करण, ठीक है, जो कि इंडियन एनवायरनमेंट कंडीशन में अच्छी तरह से ग्रो कर सकती है, लेकिन जो जर्सी है, जर्सी इज अ ब्रीड फ्रॉम इंग्लैंड एंड स्विस इज ब्रीड फ्रॉम स्विट्जरलैंड। तो इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में जो एनवायरनमेंट कंडीशन है वो अलग अलग है, ठीक है, और हमें पता है कि जर्सी और स्विस काफी ज्यादा मिल्क देती है, लेकिन हमारी जो करण है वो कम मिल्क देती है। तो हम क्या करा सकते हैं, करण का और स्विस का क्या करा सकते हैं, ब्रीडिंग करा सकते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है, और उस क्रॉस ब्रीडिंग से क्या हो सकता है भाई, मिल्क क्वालिटी बढ़ सकती है। या मान लीजिए मैंने ये गाय इंडिया में रखी, स्विस गाय इंडिया में रखी, लेकिन इंडिया की जो एनवायरनमेंट कंडीशन थी वो स्विट्जरलैंड से काफी अलग है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में ठंड ज्यादा रहती है लेकिन यहाँ पे गर्मी भी रहती है। तो हम करेंगे इसकी ब्रीडिंग ताकि क्या हो सके, एक तो डिजीज ना लगे इस पे, और दूसरा जो मिल्क की क्वांटिटी और क्वालिटी है दोनों में फर्क आ जाए या इंक्रीज हो जाए। तो डिजीज रेजिस्टेंस के लिए भी हम क्या करते हैं, एनिमल ब्रीडिंग करते हैं। फिर है इंप्रूव रेजिस्टेंस टू एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। जैसे मैंने अभी बताया कि स्विट्जरलैंड से अगर मैं कोई काऊ लाऊंगा तो उसके लिए जो इन्वायरमेंट कंडीशन रहेंगी वो इन्वायरमेंटल कंडीशन एडवर्स रहेंगी, ठीक है, तो उन इन्वायरमेंट कंडीशन को एडवर्स होने से बचाने के लिए क्या करेंगे, हम क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे करण का स्विस के साथ, तो एक नई ब्रीड आ जाएगी। जैसे एक होलस्टीन फेरिन ब्रीड है, ये काफी अच्छी क्रॉस ब्रीड है जो इंडिया में है, और करण स्विस भी काफी अच्छी ब्रीड है। इसी प्रकार से जब हम पोल्ट्री फार्म करते हैं, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट करते हैं या पोल्ट्री फार्म में ब्रीडिंग कराते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की ब्रीड्स का हम आउट क्रॉस या क्रॉस ब्रीडिंग करा करके एक नया एनिमल तैयार करते हैं। फिर हमारा टॉपिक है कि भाई एनिमल ब्रीडिंग में हम मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल किस प्रकार से करते हैं, तो इसमें हमारे चार टॉपिक रहेंगे, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, बी कीपिंग और फिशरीज। देखते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या होती है। मान लीजिए मेरे पास एक डेयरी है, ठीक है, और उसमें मैंने कुछ एनिमल पाल रखे, मान लीजिए मैंने गाय भैंस वगैरह को पाल रखा है, तो उस डेयरी में मैं किस प्रकार से मैनेजमेंट करूंगा। सबसे पहले देखो इन सभी के लिए पॉइंट सेम रहेंगे। पहली मेरी मैनेजमेंट रहेगी कि भाई अच्छी फीडिंग दूंगा मैं, पहली मैनेजमेंट रहेगी फीडिंग, कि उनको जो चारा दूंगा, फोडर दूंगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके फोडर के अंदर भी प्रोटीन है, लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट है, वो अच्छी मात्रा में होने चाहिए, ठीक है। सेकंड बात रहेगी मैनेजमेंट में केयरिंग, क्योंकि भाई पशुओं को भी बहुत सारे डिजीज लगते हैं, जैसे एंथ्रेक्स हो गया, माउथ एंड फुट डिजीज हो गया, ठीक है, तो हमें पशुओं को उन बीमारियों से बचाना है तो उसकी क्या करनी पड़ेगी, केयरिंग करनी पड़ेगी। केयरिंग के लिए एक वेटरनरी डॉक्टर लाना पड़ेगा, केयरिंग में हम लिख सकते हैं कि एक वेटरनरी डॉक्टर रखना पड़ेगा जो उनकी क्या कर सके, केयरिंग कर सके। फिर थर्ड बात है ब्रीडिंग, ठीक है, ब्रीड तो होगी करैक्टरिस्टिक्स, और ब्रीडिंग हो गया कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करना ताकि अच्छे से अच्छा एनिमल बन सके। तो थर्ड बात है कि हम उसकी ब्रीडिंग कराएंगे। ब्रीडिंग तीन टाइप में होगी, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उसकी नस्ल में क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। फोर्थ बात रहेगी कि उसके लिए हमें जो इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, रहने के लिए जो इन्वायरमेंट देना पड़ेगा वो क्या रहेगा, वो क्लीन रहेगा,
ठीक है। तो ये चार बात देख के हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पोल्ट्री पे। पोल्ट्री में क्या करते हैं, पोल्ट्री में जहां जैसे हमने पढ़ा डेयरी में तो हम डोमेस्टिक एनिमल लेते हैं, गाय भैंस वगैरह को, और पोल्ट्री में क्या लेंगे, फाउल एनिमल लेंगे, ठीक है। पोल्ट्री में क्या लेंगे, फाउल एनिमल लेंगे। यहां से हम इन एनिमल से मीट प्राप्त कर सकते हैं या एग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारी एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम दिया है जिसमें क्या सो रहा है, लेगहॉर्न, लेगहॉर्न जो कि चिकन की बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत ही इंप्रूव्ड वैरायटी है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक रहेगा पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में भी हमने फीडिंग, केयरिंग और ब्रीडिंग और उसके लिए इन्वायरमेंट को क्लीन रखना पड़ेगा। ये होगी हमारी पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। फिर रह गया हमारा बी कीपिंग या एपिकल्चर। भाई मधुमक्खी को पालना क्या होता है, बी कीपिंग होता है, और बी से हमें क्या मिलता है, शहद मिलता है, हनी मिलता है। हनी का यूज मेडिसिन में किया जाता है, और हनी वैक्स से या बी वैक्स से जो हमें छत्ते से जो बी वैक्स मिलता है उसका यूज हम भाई कॉस्मेटिक में भी लेते हैं, जूते पॉलिश वगैरह के लिए इंडस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं। बी के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है एपिस इंडिका, ये आपने ध्यान में रखनी है, एपिस इंडिका। फिर है हमारी फिशरीज, ठीक है। फिशरीज में आ जाएगा कैचिंग, रेयरिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड फिशरी। फिशरी में हमारी कुछ तो इनलैंड फिश हो जाएंगी, या मैं कह सकता हूँ फ्रेश वाटर फिश और मैराइन वाटर फिश। जैसे हम फिश वाटर फ्रेश वाटर फिश की बात करें तो इसके अंदर आ जाएंगी कटला और रोहू, और मैराइन वाटर की बात करें तो हिल्सा, सार्डिन और मैकेरल। इसी के साथ साथ हम क्रस्टेशियन जैसे प्रॉन वगैरह को भी हम ग्रो कराते हैं, क्रैब्स को भी हम ग्रो करा सकते हैं, और उनके उनको भी हम फिशरी इंडस्ट्री में लेंगे। तो ये था हमारा एनिमल हस्बेंड्री से मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे कि ब्रीडिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ कुछ कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे।